ओम शांति। आओ देखें कैसे बीत रहे हैं हमारे संगम युग के अनमोल पल। चले जाएं अंतर्मुक्ता की गुफा में और एक एक करके पूछें ये प्रश्न अपने आप से, क्या संगम युग के सुहाने पल भगवान से बातचीत करने में बीत रहे हैं? अगर नहीं तो कहां जा रहे हैं ये सुहाने पल? कहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं से ही बातचीत करने में ये बर्बाद तो नहीं हो रहे? क्या संगम युग भगवान के साथ का अनुभव करने में बीत रहा है? और अगर नहीं तो क्या अभी भी हम रावण के साथ का, माया के साथ का अनुभव कर रहे हैं? पूछे अपने आप से, मैं क्या अनुभव कर रही हूं? क्या संगम की अनमोल घड़ियां भगवान से मिली सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के कार्य में लगाने में बीत रही हैं? अगर नहीं तो देखें कहां व्यर्थ जा रही हैं ये सभी शक्तियां जो भगवान ने मुझे विश्व कल्याण के लिए दी है। क्या अतींद्रिय सुख में रहकर औरों को मैं सुख का अनुभव करा रही हूं? और अगर नहीं तो क्या है वो दुख जो मुझे ये सुख का अनुभव नहीं करने दे रहा? या संगम के ये अनमोल पल ज्ञान रत्नों से खेलने में, मनन चिंतन में बीत रहे हैं?
और अगर नहीं तो कौन सी चिंता है जो हमारे मन को भटका रही है। पूछे अपने मन से, एकाग्र करें, और चिंतन करें प्रभु का, जिसने ये मन ज्ञान चिंतन के लिए दिया है। क्या ये सुहाने पल देह से न्यारे, अशरीरी, देही अभिमानी स्थिति बनाने में बीत रहे हैं? और अगर नहीं तो क्या अब तक हम इस देह के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थों में फंसे हुए हैं? ये सब जो इन आंखों से देख रहा है विनाशी है, फिर क्यों मेरी बुद्धि इसमें फंस जाती है? पूछे अपने आप से, क्या चाहिए मुझे? क्या दुखी, अशांत, भटकती, तड़फती, रोगी, विकारी आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति देने में यह समय बीत रहा है? और अगर नहीं तो क्या मैं भी दुनिया की और आत्माओं की तरह इस विकारी दुनिया में, इस छीछी पापी दुनिया में फंसी हुई हूं? और कोई ना कोई बात क्या मुझे भी दुखी और अशांत कर रही है? देखें अपने अंदर, क्या प्रकृति के पांचों तत्वों, सभी ग्रहों को पावन बनाने में यह समय बीत रहा है? व्यर्थ से मुक्त रहकर सदा समर्थ स्थिति बनाए रखने में बीत रहा है? और अगर नहीं तो देखें कैसे मेरे व्यर्थ संकल्पों से
पांचों तत्व और ग्रह हिल रहे हैं, सृष्टि बदल रही है, क्या यह समय सोमान में रहकर सबको सम्मान देने में बीत रहा है? और अगर नहीं तो पूछे अपने आप से, जब भगवान स्वयं मुझे सम्मान दे रहे हैं तो फिर किस सम्मान की इच्छा है मुझे? क्या ईश्वरीय कार्य में अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सफल करने में यह समय बीत रहा है? देखें अपने आप को, आखिर मेरे पास है ही क्या? ये पुराना तन, बीमार मन और ये विनाशी धन, जिसे लेकर भगवान मुझे 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, देखे कहां व्यर्थ जा रहा है ये सब खजाना? क्या सबके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखने में यह समय बीत रहा है? या कोई ना कोई बात या कोई आत्मा मेरी भावनाओं को और मेरी कामनाओं को शुभ ना रहने में कोई हलचल तो पैदा नहीं कर रही? देखें अपनी भावनाओं को, सर्व को सहयोग सुख देने में क्या यह समय बीत रहा है? दुखी, असहाय, कमजोर, हीन भावना वाली आत्माओं में शक्ति भरकर उन्हें आगे बढ़ाने में यह समय बीत रहा है?
और अगर नहीं तो पूछे अपने आप से, कि कहां जा रहा है ये अनमोल समय, क्या परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर आनंदमय जीवन का अनुभव करने में यह समय बीत रहा है, और अगर नहीं तो देखें क्या अभी भी हम इन मनुष्य आत्माओं के प्यार में अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा पा रहे हैं। क्या परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया में रहकर वायुमंडल में सर्व शक्तियों की किरणें फैलाने में यह समय बीत रहा है, और अगर नहीं तो देखें अपने आप को माया की छत्र छाया में खड़े हुए, और मायावी बुराइयां कमजोरियां वायुमंडल में फैलाते हुए क्या अपने प्यारे रूहानी बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करने में यह समय बीत रहा है, और अगर नहीं तो देखें उन विनाशी संबंधों को जिन्हें मैं अब तक भी अनुभव कर रही हूं और अपना समय व्यतीत कर रही हूं। क्या परमात्मा पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने में यह समय बीत रहा है, हर आत्मा के गुण देखकर सर्व गुण संपन्न बनने में बीत रहा है, कहीं मैं किसी के अवगुण तो नहीं देख रही। कहीं मैं अपने समय को व्यर्थ तो नहीं जाने दे रही।
स्वयं भगवान मेरा शिक्षक बन के आया है। तो क्या मैं इस संगम युग के पलों को उसके साथ बिता रही हूं? देखें अपने जीवन के कुछ झलकियां और अनुभव करें कि मैं कहां हूं। क्या सरल चित स्वभाव बनाकर सर्व को सरल स्वभाव बनाने की विधि बताने में यह समय बीत रहा है? निरंतर योगी बनने बनाने की विभिन्न युक्तियों के अनुभव में यह समय बीत रहा है? परिस्थितियों को सहज पार करने की कला द्वारा बेफिकर बादशाह की स्थिति बनाने में बीत रहा है? और अगर नहीं, तो क्या फिक्र है मुझे, जब स्वयं भगवान मेरी चिंता करने के लिए बैठा है? क्या मुश्किल है, क्या रोक रहा है मुझे निरंतर योगी बनने से? क्यों मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कार को नहीं छोड़ पा रही? देखे कहां उलझा हुआ है ये जीवन, जो मुझे भगवान के साथ ये अनमोल पल अनुभव नहीं करने दे रहा।